हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी कैंपस। आज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। टॉपिक का नाम है विटामिन्स। एक सवाल मान लीजिए, अगर आप कोई भी बायोलॉजी के पेपर देने जा रहे होंगे और उस पेपर में बायोलॉजी आ रहा होगा, तो बायोलॉजी में विटामिन्स के सवाल एक तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आओ हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि वो क्वेश्चन छूटे ना। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे नीट का, चाहे TGT का, PGT का, या कोई भी SSC, बैंक, रेलवे, एनीथिंग जहां पर बायो आ रही होगी, तो मे बी वहां पर GS वाले पार्ट में या किसी वाले पार्ट में विटामिन्स के सवाल आते हैं। तो हो सकता है आपने विटामिन पढ़ा हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। आओ जरा पढ़ लेते हैं ताकि हमारा वो सवाल हो जाए जो आने वाला है पेपर में। विटामिन्स, विटामिन्स क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स का नाम विटामिन क्यों पढ़ा, ठीक है, इसको वाइटल अमाइंस, इसमें दो शब्द छुपे हैं, दैट इज वाइटल और अमाइंस, इसलिए यहाँ से लिया गया, दैट इज वाइटल अमाइंस, दैट इज विटामिन्स, ठीक है। यहाँ से विट अमाइंस, यहाँ विटामिन्स हो गया, ठीक, ओके। तो विटामिन्स आर द वाइटल अमाइंस, मतलब वाइटल का मतलब होता है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी बॉडी में, है ना, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी बॉडी में। और विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक समझते हो, ऑर्गेनिक कार्बन मेड कंपाउंड्स होते हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है। दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। व्हाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? बिकॉज दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको 100 ग्राम 200 ग्राम खाना है डेली, ऐसा नहीं है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में, इसलिए इसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। एसेंशियल है, ऐसा नहीं है कि कम मात्रा में है तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, नहीं, एसेंशियल है, कम मात्रा में है लेकिन बहुत एसेंशियल है। इसका होना हमारे डाइट में बहुत ही आवश्यक है, इसका होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रभावित होती हैं और बहुत सारे हमारे शरीर में परिवर्तन आ जाते हैं, हमको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं अगर इनकी कमी हो जाए तो। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विटामिन से होने, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में, और एक बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारी बीमारियां झट से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको मिलना, देखना पड़ेगा मेरा अगला वीडियो, ठीक है। और जरा विटामिन से आगे बात करते हैं। विटामिन्स, विटामिन्स दो प्रकार की होती हैं, ध्यान से सुनो। विटामिन्स दो तरह की होती हैं, एक ऐसी जो पानी में घुल जाती है और एक ऐसी जो पानी में नहीं घुलती। तो भाई किस में घुलती होगी? हाँ भाई, फैट में घुलती है। किस में घुलती है? वो फैट में घुलती है, वसा में घुल जाती है। तो वाटर सोल्यूबल कौन कौन सी, एग्जाम का सवाल, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन सी है? चार ऑप्शन विटामिन्स कौन सी है जो वाटर सोल्यूबल है, याद रख रहे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी पानी में घुल जाती है। अगर पानी में घुल जाती है भाई साहब, तो यूरिन से बाहर भी निकल सकती है, सही बात है क्या, ठीक है। तो ऐसा सवाल एग्जाम में आया हुआ है, आ सकता है कि वो कौन सी विटामिन है जो हमारी यूरिन में पास आउट हो जाती है। तो इसीलिए विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी की जितनी ग्रुप हैं सारी पानी में घुल जाती हैं, तो पानी में घुल जाती हैं तो यूरिन से बाहर निकल जाएंगी। इसका मतलब हमें डेली डाइट में इन्हें लेना चाहिए। सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि वो कौन से विटामिन है जो हमें डेली अपने डाइट में लेना ही चाहिए। तो यार भाई साहब, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको डेली डाइट में लेना ही चाहिए। क्यों लेना चाहिए? पानी में घुल जाती है, फिर सांस से बाहर चली जाती है, तो भाई बॉडी को तो चाहिए डेली। अगर बॉडी में स्टोर नहीं होती है तो आपको देना पड़ेगा डेली, है ना। तो ओके, पहला ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल कौन कौन से है? विटामिन ए, डी, ई, के, एडेक, याद कर सकते हैं, ए, डी, ई, के, विटामिन ए, डी, ई, के, दीज आर द फोर विटामिन ऑफ फैट सोल्यूबल आर फैट सोल्यूबल, ठीक। या तो ऐसा करेगा एग्जामिनर 5, 6, 7, 8 विटामिन लिख देगा और पूछेगा इसमें से कितनी विटामिन ऐसी हैं जो फैट सोल्यूबल हैं, तो आप ढूंढ लेना उसमें कौन कौन से फैट सोल्यूबल है, याद कर लेना, ठीक, ओके। तो इसको याद कर सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए डी ई के, ट्रिक है ये, ए डी ई के याद कर लीजिए। कीड़ा, क्या कर लीजिए? कीड़ा, कीड़ा क्या होता है? पानी में नहीं घुलता। कीड़े को पानी में डाल दो, क्या घुल जाएगा? नहीं घुलेगा भाई, चाहे सड़ जाए मर जाए तब भी नहीं घुलेगा, ठीक है। तो ये फैट सोल्यूबल है, कीड़ा किसमें है? फैट सोल्यूबल है, पानी में नहीं घुलता, ठीक, ओके। अगला सवाल जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो ये है कि इनके विटामिन्स का काम क्या है। भाई काम पर सवाल बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा एरिया है यहां पर जो बड़े एग्जाम देने जा रहे हैं, नीट, TGT, PGT जैसे एग्जाम दे रहे हैं, तो यहां से SSC, बैंक, रेलवे वाले इधर याद कर लेंगे, बहुत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नीट वाले बच्चे इधर तो याद करेंगे ही करेंगे, इधर वाला तो जरूर याद करेंगे, ठीक है। जरा सुनिए,
जो हमारी भैया ये है ना, ये मेटाबॉलिज्म में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। मतलब इनके बिना मेटाबॉलिज्म अधूरा है। बहुत सारी मेटाबॉलिक क्रियाएं हमारे शरीर में चलती हैं, जो विटामिन्स की अब्सेंस होने पर वो प्रोसेस चलेगी ही नहीं, काम ही नहीं करेगी। तो हमारे शरीर में अगर काम नहीं करेगी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, तो हमको बहुत सारी दिक्कत होगी, है ना। आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में शायद पढ़ा होगा कि विटामिन कौन कौन से विटामिन हैं जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में अहम रोल अदा करती हैं, ठीक है। ओके, प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से, ठीक है। एड टू मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फर्स्ट एड की तरह काम करती है, बिना इसके एडिशन के वो कुछ होने वाला नहीं है, खराब हो जाएगी, क्रिया चलेगी नहीं, है ना। तो मेटाबॉलिज्म में इसका बड़ा रोल है। दूसरा, एज एंटीऑक्सीडेंट ये काम करती हैं, विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करती हैं, ठीक है। समझेंगे ये सारे शब्द, ये सारे टर्म जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये समझाने के लिए काफ़ी जो है टाइम लगेगा, तो आप भी याद कर लो, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती हैं। अगर आप शब्द के बारे में जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला बात जो आती है वो कोलेजन सिंथेसिस में इसका बड़ा रोल है। विटामिन का रोल कोलेजन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन का है ये आपको सर्च करना है, ठीक है। बस ये मैं बता दे रहा हूँ कोलेजन सिंथेसिस, क्योंकि ऑप्शन इस तरह सेट करे जाएंगे और 4 ऑप्शन में कौन सा गलत है कौन सा सही है ना, ऐसा या कौन सा, ऐसे सवाल कितने सही हैं कितने नहीं सही हैं, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो कोलेजन सिंथेसिस में विटामिन्स का बड़ा अहम रोल है। एज अ कोफैक्टर, विटामिन जो होती हैं बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट अथवा एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करती हैं। डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी के लिए, अगर आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है विटामिन, विटामिन B12 पढ़ा होगा ना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 का, के आरबीसी के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो इस तरह से विटामिन्स का रोल डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी में भी है। सॉरी थोड़ा लाइट चली गई थी, आइए जरा देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने बात कर ली थी यहाँ तक, फंक्शन तक हो गया हमारा काम, आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं एक बार इनको जरूर देख लेना, ठीक है। जो शब्द विटामिन है बच्चों, जो टर्म विटामिन है, इसको दिया था कैसिमिर फुंक ने। क्या नाम दिया था? कैसिमिर फुंक ने। ज़्यादातर किताब में सी फुंक लिख देता है आप, लेकिन पूरा नाम पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है वो पूरा नाम दे दे, चार्ल्स फुंक, कैसिमिर फुंक, फलाने फुंक, है ना। तो याद रखना कैसिमिर फुंक इज एन, जिन्होंने टर्म विटामिन दिया था, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार प्लीज़ 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 इसे याद करके जाना, ठीक है। ओके, आइए जरा हम लोग कुछ और देख लेते हैं। जैसे 5वां पॉइंट है जो हमारे इस लेक्चर का, वो ये है कि विटामिन्स के केमिकल नाम पूछे जाते हैं आपसे बहुत बार, ऐसे सवाल मैच द फॉलोइंग में करवाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो इधर से पढ़ के जाना, ठीक है। मैचिंग का सवाल इधर से आ सकता है। ए, विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है इसका? रेटिनॉल, याद रखना रेटिनॉल, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, ठीक है। तो रेटिनॉल बोले मतलब विटामिन ए। थायामिन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, नायासिन विटामिन B3, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5, पेंट मतलब होता है ना, पेंट मतलब 5, पेंट है ना, 5 होता था, आईयूपीएसी में पढ़ा होगा आपने। तो पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5, पेरिडॉक्सिन विटामिन B6, ठीक है। पेरिडॉक्सिन, सिन देखो लास्ट में आता है, सिन 6 करके आता है, विटामिन B6, पेरिडॉक्सिन, ठीक है। बायोटिन विटामिन B7, ठीक है, 17, ठीक है। विटामिन बायोटिन विटामिन B7, बायोटिन विटामिन B7, ओके। फोलेट या फॉलिक एसिड के नाम से आएगा आपको विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B9, फोलेट या फॉलिक एसिड आप याद रखना, ठीक है। फोलेट या फॉलिक एसिड, ठीक, फॉलिक एसिड, फॉलिक 5 वर्ड है, एसिड 4 वर्ड है, 9 वर्ड है, विटामिन B9, ठीक। विटामिन B12, साइनोकोबालामिन या कोबालामिन के नाम से आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। विटामिन B12 का नाम कोबालामिन, एक ही आएगा, या तो साइनोकोबालामिन या कोबालामिन, तो कोबालामिन याद रखेंगे। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेराल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनॉन, विटामिन के फाइलोक्विनॉन। तो एक बार इसको ध्यान से कोशिश करो कि याद हो जाए, है ना, जहाँ पर जुगाड़ ठीक है वहाँ सिंग जिन पैराडॉक्सिन 6,
ठीक है। तो ऐसे फॉलिक एसिड 9, कोवैलामिन 12, ये तो याद रहता है, लगभग सबको याद रहता है, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, तो जैसे रेटिनॉल है और राइबोफ्लेविन है, तो अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। पेरिडॉक्सिन और पेंटोथेनिक एसिड, आओ जरा। तो एक कुछ बी वालों को याद करने के लिए मैंने, जो बी कॉम्प्लेक्स है उसको याद करने के लिए मैंने कुछ आपके लिए बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ट्रिक बताई है यूट्यूब पर, लेकिन थोड़ा सा मेरी बहुत अलग है, ठीक है। पेपर देने जाओगे आप, ठीक है, पेपर देते हो, तो पेपर में मान लो सवाल आया और तुमने सारे सवाल कर लिए, 5 सवाल आया था, तुमने 5 कर लिए, लेकिन तुमने रटा नहीं था बायो को। बायो का पेपर देने गए, 5 सवाल आया था स्कूल का और तुमने 5 कर लिए। तुम्हारा फ्रेंड कहता, यार तुमने रटा नहीं, तुमने रटा नहीं 5 फिर भी बायो पूरा कर लिया। कह रहा, तुमने रटा नहीं 5, रटा नहीं 5 फिर भी बायो पूरा कर लिया। भाई साहब मतलब आश्चर्य से बोल रहा है कि तुमने फिर भी पूरा कर लिया भाई। तो तुम, थायामिन लिखा ना, थायामिन, तुम से टी आता है यहाँ पर, तुम, थायामिन, रटा, राइबोफ्लेविन, नहीं, नियासिन, 5 पेंटोथेनिक, फिर भी पैराडॉक्सिन, बायोटिन, पूरा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फुली, तो फॉलिक एसिड, कर लिया कोबेलामिन, साइनोकोबेलामिन कर लिया, ठीक है। तो तुमने रटा नहीं 5 फिर भी बायो पूरा कर लिया। इम्पॉर्टेंट है, एक बार कोशिश करना कभी नहीं भूलने के लिए। तो आपको विटामिन B1, 2, 3, 5, 6, 7, देखो ऐसे 1, 2, 3, 4 नहीं है, ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट इसे लिखा नहीं गया, फिर 5, 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट नहीं है, 9, फिर 10, 11 नहीं है, 12 याद करना है सीधे, ठीक है। तो देखो ये 8 हैं बी कॉम्प्लेक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस 8 को याद करने के लिए मैंने केमिकल नाम याद करने का बहुत आसान तरीका बताया। एक बार ट्राई करना, ध्यान से वीडियो को फिर से 2 देख लेना, फिर आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको पूरा विटामिन याद हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे वीडियो से आपको सच में कुछ भी सीखने को मिला हो ना, एक सिंगल पॉइंट भी आपने मेरी वीडियो से सीखा हो और आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो, मेरा तरीका कुछ अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, अपने WhatsApp पे, Instagram पे, Facebook पे, और प्लीज़ आप खुद भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग विटामिन और उनसे होने वाली डिफिशियंसी डिजीज़ पढ़ेंगे और उसको भी याद करने की एक शानदार ट्रिक आपको बताएंगे। थैंक यू।